जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा भगवान कांगड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के सुजानपुर में SJBNL के माध्यम से बनी खोखा मार्केट को जनता को समर्पित किया। इस खोखा मार्केट के बनने से सुजानपुर नगर परिषद क्षेत्र में रेहड़ी फेड़ी से होने वाले अतिक्रमण से निजात मिलेगी तथा गरीब लोगों को पक्की दुकानें मिल जाएंगी। गौरतलब है कि ऐतिहासिक कस्बे सुजानपुर में रेहड़ी फेड़ी से होने वाले अतिक्रमण से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित रैली में भी भाग लिया। मैं सबसे पहले तो सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर हमीरपुर और सुजानपुर वासियों को अपनी ओर से नवरात्रों की बधाई देता हूं, बैसाखी की बधाई देता हूं, और इस शुभ घड़ी के अवसर पर मेरे उन गरीब भाइयों और बहनों को जो शायद ही कभी कल्पना कर रहे थे कि उनके पास अपना एक सुंदर सा व्यवसाय करने के लिए खोखा भी होगा, दुकान भी होगी, वो अवसर भी प्रदान उनको किया गया है। और जैसा आपने कहा कि 6 महीने पहले हमने कहा था कि इनको खोखे देंगे, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में 5 महीने के अंदर वो तैयार करके दिए गए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है उन गरीब परिवारों के लिए जो चाहते हैं कि अपनी आय से अपने परिवार की पालन पोषण भी कर सकें, और साथ ही साथ सुजानपुर शहर और सुंदर भी हो और इन लोगों को और व्यवस्था भी मिले, ऐसा उसमें प्रयास किया गया है। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा। पंचशील नर्सिंग होम नगरोटा बगवां।